क्यों नहीं अपनी सरकार की बात कर, रोंदू सरकार हो क्या, रोने के लिए आते हो क्या, सरकार रोंदू है। अरे रोंदू तो तुम हो क्या, आप रोंदी कहेंगे तो आदमी ने सही का तोतला फाट गया। चलिए ठीक है, ठीक मैडम को सुरक्षा नहीं दे सकते क्योंकि आप निहायत बेशरम है, आपकी ना ईमानदारी है ना जमीन। तुम्हारी पार्टी कहीं की नहीं रही तभी आज इस वीडियो में बात बीजेपी के नेता गौरव भाटिया की करते हैं। गौरव भाटिया अक्सर डिबेट में विपक्ष का मजाक बनाते देखते हैं। आज इस वीडियो में हम आपको गौरव भाटिया की वे डिबेट सिखाएंगे जिनमें विपक्षी नेताओं ने गौरव भाटिया को करारा जवाब दिया हो। जी न्यूज पर धर्मांतरण के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में SP नेता ने गौरव भाटिया को उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार द्वारा किए कामों पर बात करने को कहा, जिस पर गौरव उन्हें घेरने लगे, पर SP नेता अनुराग भदौरिया ने ही गौरव भाटिया को घेर लिया। क्यों उत्तर प्रदेश की जनता आज राहत महसूस कर रही होगी, इनको याद दिलाना चाहिए। पहली बात तो प्रवक्ता वो होता है जो अपने नेता की बात को आगे बढ़ाए। प्लीज चुप करो, प्लीज शांत करो, याद मत दिलाओ। अरे याद बौखलाए नहीं, अंग्रेजों का दिलाओ, बीच में नहीं। 2014 साल की सरकार है कि अंग्रेजों की बात करते हैं क्या, 1940 1950, फिर देखिए तोता बन जाते हैं, टर टर करने लगते हैं, फिर बोलेंगे तो बुरा लगेगा। यहां आपकी सरकार है जब अभी ये बोल रहे थे अमन जी, कोई बीच में बोला 2017 से आपकी सरकार, उसके बाद की बात करो ना। क्यों नहीं अपनी सरकार की बात कर, रोंदू सरकार हो क्या, रोने के लिए आते हो क्या, सरकार रोंदू है। अरे रोंदू तो तुम हो क्या, मैं क्या कर रहा हूं, 13 में क्या कर रहे हैं, मैं कर रहे हैं, इंडिया टीवी पर वैक्सीनेशन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने बीजेपी नेता गौरव भाटिया से सवाल किया तो गौरव ने कांग्रेसी नेता अलका लांबा को गलत बोला, जिस पर अलका लांबा ने गौरव भाटिया को तोतला भाटिया बुलाया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दो भूपिया हमेशा रोती ही रहेंगी, मैं इस पे बाद में आऊंगा सौरभ जी, पहले दो तीन बातें जो बड़ी अहम है वो दर्शकों से बांटना चाहूंगा। फिर वो पहली बात तो एक बात आप स्पष्ट हो गई, आप रोंदी कहेंगे तो आदमी ने सही कहा तोतला भाटिया। चलिए ठीक है, ठीक दोनों ने बोल आपके घर में क्या हो रहा था ना वो अभी बताऊंगा, शायद आपको बुरा लगेगा। आपके घर में क्या हो रहा था हमें पता, मैं मुस्कुरा रही हूँ, चलिए पिद्दी प्रवक्ता को चुप कराइए। आपने की है शुरुआत, आपने की आज, आज आपने शुरुआत मैंने क्या क्या गलत बात बोली मैंने बताई, आपने इनको कुछ नाम बोले, कुछ नाम से रोंदू फूफिया बोला, इसको रो नहीं रहे हैं क्या फिर से आके, तो मैंने आपको तोतला भाटिया बोल दिया, थोड़ी सही है, ठीक है ठीक है, रोंदू हो गया, मान रहे बात हो गया है सब। गौरव जी बोलिए बोलिए, आज तक पर किसी विषय में डिबेट हो रही थी। इस डिबेट में कांग्रेसी नेता एंकर से के सवालों का जवाब दे रही थी, तभी बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने उन्हें बीच में बार बार टोका, जिसका करारा जवाब कांग्रेसी नेता ने गौरव भाटिया को दिया। यूपी मॉडल जवाब लूंगी, टाइम है, मुझे भी अकेले बोलने का मौका दीजिएगा, ये बदतमीज आदमी दोबारा बीच बीच में बोलेंगे, ठीक है ठीक है, ओ बदतमीज औरत, प्लीज प्लीज बदतमीज औरत, हट यहां से, चलो प्लीज, सबके परिवार से टिप्पणियां करते हो, ओछी ओछी टिप्पणियां करते हो, हटो यहां से बदतमीज, प्लीज बंद कीजिए, हमारी पार्टी बदतमीज है, तुम बदतमीज हो, तुम्हारे नेता बदतमीज है, राहुल गांधी बदतमीज है, पप्पू है वो, पप्पू गाली गलौज बंद कीजिए प्लीज, गाली गलौज बंद कीजिए, मुंह में दांत नहीं, पेट में हाथ नहीं, दोबारा कहूंगा क्यों कितना रोन रही है तुम्हारी पार्टी, कहीं की नहीं रही, तभी जनता ने इतने लात मारी है, इतनी लात मारी, वजूद खत्म हो गया, इतने थप्पड़ पड़े राहुल गांधी को, मुंह फूल गया, चाहे प्रवक्ता हो चाहे नेता हो, दोनों का मुंह फूला रहता है। अरे भ्रष्टाचारी दलाल, सारे दलाल हो तुम लोग, दलाल दलाल, मैं तुम्हारी माता के चरण स्पर्श करता हूँ, तुम्हारी तुम्हारी माता जी। न्यूज 18 पर चिराग पासवान के मुद्दे पर डिबेट जारी थी। इस डिबेट में SP नेता ने बीजेपी नेता से कुछ सवाल किए, जिस पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया बात को गोल मोल घुमाने लगे, तभी SP नेता ने उन्हें बीच में टोका और फटकार लगा दी। पहली बार ऐसा हुआ आजादी के बाद इतिहास में, किसी बेटे ने अपने पिता को गद्दी से हटा दिया व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा की वजह से, नहीं करना चाहिए था, नेताजी ने ही पार्टी बनाई। अमित जी मुद्दों की कमी है क्या, अमित जी मुद्दों की कमी है क्या, मैंने तो बीच में नहीं क्या बोला, कोरोना में जो दुर्व्यवस्था फैली है उसमें कमी है,
नहीं मुद्दों पर बात करिए ना गौरव जी, आप तो पढ़े गौरव अपनी बात को रख ले। हर डिबेट में आप चाहते हैं कि मुद्दों पर यहाँ पर अमीर जी अच्छा नहीं लगता, महिला का सम्मान करना पड़ेगा। ये भी नहीं कह सकता लड़की है लड़की से गलती हो गई या महिला है महिलाओं से गलती। महिला प्लीज अमीर जी बीच में मत बोले प्लीज, मेरे हाथ जोड़ के निवेदन है मैडम को सुरक्षा नहीं दे सकते। अभी एक प्रश्न के लिए पूछूंगा, आप निहायत बेशरम हैं, आपकी ना ईमानदारी है ना जमीर है, और आप मुद्दों पर बात नहीं मत करिए। ये बेशरम है कि नहीं ये जनता देख रही है। प्लीज अमीर जी आप आ जाइए, आप गायब मत होइए, आप ही का शो है। चरित्र दिखता है। आज तक पर ऑक्सीजन के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी नेता ने केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। इस पर आम आदमी पार्टी के नेता ने अपने जवाब से बीजेपी नेता को चुप करवा दिया। मुझे बोलने दीजिए, तो क्या दिल्ली हाई कोर्ट लोगों को डरा रहा था? क्या सुप्रीम कोर्ट जिसने केंद्र सरकार को लताड़ा फटकारा, क्या सुप्रीम कोर्ट लोगों के बीच डर पैदा कर रहा था? और अगर दिल्ली में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी तो क्या आम आदमी पार्टी के लोग, आम आदमी पार्टी के विधायक, आम आदमी पार्टी के नेता अपने घर में अलमारी में उस ऑक्सीजन को बंद करके बैठे थे? ये कैसी बात हो रही है? मैं तो आज मुझे अचंभा है इस बात का कि हमारे देश में राजनीति का स्तर इतना गिर गया है। ऑक्सीजन की घिनौनी झूठी रिपोर्ट भाजपा के लोग जारी करते हैं। और आखिरी चीज मैं आपको बता दूं, ये जिस रिपोर्ट का आज बात कर रहे हैं गौरव जी बस एक आप बोलिएगा इसके बाद, गौरव जी आप बोलिएगा इसके बाद, बस एक बात ये कह रहा हूँ गौरव जी, मैं आपको और आपकी पार्टी को बड़े आदर के साथ ये चुनौती देता हूँ कि एक ऐसी रिपोर्ट जिस पे चारों सदस्यों के हस्ताक्षर हो वो आज तक चैनल पे रख लो, मैं अपनी हार स्वीकार लूंगा। नहीं तो आप अपनी हार स्वीकार लो, मेरे को वो रिपोर्ट की कॉपी दिखा दो जहाँ चारों लोगों की अनुमति से हस्ताक्षर हुए। हम उम्मीद करेंगे कि बीजेपी नेता जरूरी मुद्दों पर सही से जवाब आगे देंगे और अपनी जिम्मेदारी को भी समझेंगे, क्योंकि सत्ता में बीजेपी की सरकार है तो सवाल भी उनसे ही होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।